अल्माइटी पब्लिक स्कूल में किंडरगार्टन से लेकर कक्षा 8वीं तक के छात्र छात्राओं को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया। अध्यापिका मीना एवं दीप्ति ठाकुर ने गुड टच बैड टच को एक बड़ी डॉल लेकर समझाया। छात्रों को बताया गया कि यदि आपको कोई गलत तरीके से छूता है तो डरना नहीं है और न ही इसको सहन करना है। यदि आपके साथ बैड टच होता है तो आपको तुरंत अपने माता पिता या अध्यापक को बताना है। इसके लिए छात्राओं को एक चिल्ड्रन हेल्पलाइन 1098 के बारे में भी बताया गया। स्कूल संस्थापक पूजा मिन्हास ने इस आयोजन की सफलता के लिए एक्टिविटी इंचार्ज अर्चना सिंह के साथ साथ मैडम राशि सबिता सपना और शिल्पा को बधाई दी। उन्होंने बताया कि आजकल के बच्चों को ये पता होना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि बच्चों को पहले से ही जागरूक कर दिया जाए तो समाज में होने वाले दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। बच्चों को पता ही नहीं होता कि बैड टच क्या होता है। यदि उन्हें पहले से ही पता हो तो वे बैड टच को समझ जाएंगे और अपने अभिभावकों को भी बताएंगे। भाजपा मंडल मंडी द्वारा परिधि गृह मंडी में एक आपात बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मंडलाध्यक्ष मनीष कुमार ने की, जिसमें पूर्व विदेश मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेत्री सुषमा स्वराज को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भाजपा मंडल महामंत्री पुष्पराज कात्यायन ने सुषमा स्वराज के जीवन पर प्रकाश डाला तथा उनके दमदार नेतृत्व शालीन व्यक्तित्व की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। भाजपा नेताओं ने कहा कि सुषमा स्वराज के निधन से देश ने एक ओजस्वी शालीन व प्रभावी नेता खो दिया है तथा उनकी पूर्ति असंभव है। सुषमा स्वराज को पार्टी नेतृत्व द्वारा जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई उसमें उन्होंने अमिट छाप छोड़ी है। विदेश मंत्री के रूप में तो उनका कार्य बहुत ही बेजोड़ शानदार रहा है। वे काफी कुशल राजनीतिज्ञ व प्रशासक ही नहीं बल्कि एक अति मिलनसार महिला थी। उन्होंने एक प्रखर वक्ता, एक आदर्श कार्यकर्ता, लोकप्रिय जनप्रतिनिधि व एक कर्मठ मंत्री जैसे विभिन्न रूपों में भारतीय राजनीति में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। समस्त भाजपा मंडल मंडी ने सुषमा स्वराज की आकस्मिक निधन पर शोक प्रकट किया। बैठक में भाजपा मंडल मंडी के अध्यक्ष मनीष कपूर, मंडल महामंत्री एवं पार्षद पुष्पराज कात्यायन, पूर्व विधायक कन्हैयालाल ठाकुर, भाजपा जिला प्रेस सचिव अजीत कपूर, हिमांशु शर्मा, पार्षद जितेंद्र शर्मा, बंसीलाल, निर्मला शर्मा, हेमलता शर्मा, पार्षद सरदार अभिनंदर सिंह, सरिता हांडा, अंजना, कृष्णा ठाकुर, कमल राणा तथा बालक राम उपस्थित रहे। जम्मू कश्मीर की खराब हालत को देखते हुए वहां से प्लान कर सोलन में रह रहे कश्मीरी पंडितों समेत भाजपा महिला मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की प्रभारी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का दिल से धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वे काफी समय पहले कश्मीर छोड़ चुके थे और घर जाने की कोई आस नहीं थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने धारा 370 हटाकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसके चलते उन्हें आस बंधी है कि जल्द ही वे अपने घर जा पाएंगे और अपने बच्चों को अपनी दीदी और नानी का घर दिखा सकेंगे। उन्होंने इस मौके पर कश्मीर की परंपरा को निभाते हुए सभी को वहां का सबसे महंगा तोहफा नमक देकर खुशी मनाई, लड्डू बांटे और भाजपा के शीर्ष को धन्यवाद किया। इस मौके पर कश्मीरी पंडितों ने दिल का दर्द बताते हुए कहा कि जब भी वे किसी कानून को भारत में पढ़ते थे तो सबसे पहले उनकी नजर उस लाइन पर पड़ती थी जिस पर लिखा होता था कि ये कानून J&K में लागू नहीं होता, लेकिन अब धारा 370 खत्म होने से J&K से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही कानून होगा, जो बेहद खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि आज जम्मू का युवा गलत रास्ते पर है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि अब विकास के नए आयाम यहां खुलेंगे और फिर से वहां खुशहाली होगी। उन्होंने कहा कि वे धारा 370 के हटने से अब अमन शांति के बाद अपने बच्चों को नानी और दादी का घर दिखा पाएंगे, जो उनके लिए सपने जैसा है, जिसके लिए वे देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं।
बीएसएनएल ने अपने ग्राहक सेवा केंद्रों में उपभोक्ताओं को आधार कार्ड बनाने व नवीनीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए कांगड़ा व चंबा में 12 सेंटर स्थापित किए हैं। धर्मशाला में बीएसएनएल के आधार सेंटर का शुभारंभ निगम के जीएम प्रदीप सिंह ने किया। इस दौरान बीएसएनएल के जीएम प्रदीप सिंह ने कहा कि आधार सेंटर में ग्राहकों को नया आधार कार्ड बनाने सहित वर्तमान आधार कार्ड में जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को अपडेट करने की सुविधा मिलेगी, जिसका शहरी व ग्रामीण लोग लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने बताया कि धर्मशाला के साथ नूरपुर, पालमपुर, नगरोटा, बागमा, ज्वालामुखी, रहन, कांगड़ा, बुवारना, डलहौजी, चंबा, देहरा तथा सुरगानी में जल्दी आधार अपडेट केंद्र का शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांगड़ा व चंबा के दूर दराज के कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में रहने वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा। देखिए, भारत संचार निगम लिमिटेड ने धर्मशाला एसएसए में, जिसमें दो जिले आते हैं कांगड़ा जिला और चंबा जिला, इसमें हम लोग आधार नवीनीकरण का जो कार्य है वो हमने आज से प्रारंभ किया है। आज अभी हम धर्मशाला के कस्टमर सर्विस सेंटर में हम आधार नवीनीकरण केंद्र का जो काम शुभारंभ कर रहे हैं, इसमें जो हमारे दूरसंचार जो बीएसएनएल के उपभोक्ता हैं, इसके साथ साथ जो कॉमन पब्लिक जो आम लोग भी हैं वो आधार से संबंधित कोई भी काम यहाँ पे करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे वो अपना नया आधार बनवा सकते हैं, आधार में यदि आप उनको अगर एड्रेस अपडेशन कराना है वो कर सकते हैं, आधार में यदि उनको मोबाइल नंबर चेंज कराना है तो वो कर सकते हैं। देश में धारा 370 की समाप्ति पर लगभग हर तरफ जश्न का माहौल है और हिमाचल प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। प्रदेश के ऊना में बीजेपी ने आतिशबाजी कर और नारेबाजी कर इसका उत्सव मनाया। पार्टी नेतृत्व ने इसे जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि बताया है। पार्टी प्रवक्ता राम कुमार ने इसका पूरा श्रेय मोदी साहब की जोड़ी को दिया और कहा कि धारा 370 हटाकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक देश एक विधान के स्वप्न को साकार कर दिखाया। उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए सर्वाधिक हितकारी निर्णय बताया है।